पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग विवेकानंद सिंह के निर्देश और राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में राजनांदगांव जिले में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में एक और सफलता मिली है। पिछले दिनों चौकी जोब अंतर्गत ग्राम कटेंगा और खोभा के बीच हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में गिरफ्तार नक्सली कमांडर उमेश उर्फ अज्ञान उइके गढ़चिरौली की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में उसने बताया कि ग्राम मांगी खोई और छुई पानी के बीच चार अलग अलग जगहों पर बड़ी मात्रा में एमुनेशन डेटोनेटर वायरलेस सेट और नक्सली साहित्य स्टील के डिब्बे में डालकर जमीन में गड़ाया गया है। जानकारी मिलने के बाद सर्चिंग टीम इस क्षेत्र में रवाना हो गई और चारों जगह के डंप बरामद कर लिए गए। विभिन्न हथियारों के बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद की गई, जिसमें AK-47 के 35, 9mm के 345, SLR के 169, 303 राइफल के 162, 12 बोर के 15, .22 के 135 और चाइना मेड पिस्टल के 114 कारतूस बरामद किए गए हैं। इस तरह से कुल 975 कारतूस, 303 चार्जर क्लिप, 23 डेटोनेटर 6 नग, मोटोरोला वॉकी टॉकी 12 नग, वॉकी टॉकी क्लिप 14 नग और दीपक तेलतुमड़े द्वारा हस्तलिखित डायरी और नक्सली साहित्य बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में जिला पुलिस बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, DRG, BDS और नक्सल सेल राजनांदगांव के अधिकारी शामिल थे। DNX TV के लिए राजनांदगांव से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जो हमने घायल अवस्था में बुखार नक्सली पकड़ा था उसके पूछताछ और उसके निशानदेही हमने दरेगा एरिया में 3 इम्पोर्टेंट डंप रिकवर किए। जो हमने घायल अवस्था में बुखार नक्सली पकड़ा था उसके पूछताछ और उसके निशानदेही हमने दरेगा एरिया में 3 इम्पोर्टेंट डंप रिकवर किए।